नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी खबरें आ रही है चाइना भारत विवाद को लेकर, दोस्तों बताएंगे पूरी खबर। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तभी चाइना भारत के सामने झुका हुआ है दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे कि पेंगोंग में भारतीय जवानों की बढ़त से लेकर डरता हुआ दिखाई दे रहा है चाइना। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, पूरी बात क्या है बताएंगे आपको, साथ ही बताएंगे जहां पर चीनी टैंक पर सवार होकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने दी है भारत को धमकी। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे आपको जहां पर पाकिस्तान के ही लाले लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सुनाएंगे आपको क्या है पाकिस्तान की टैंक वाली कहानी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर इस्लामाबाद में मंदिर बनाने को लेकर यूएई का हवाला दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर क्या है। साथ ही बिहार चुनाव को लेकर भी बड़ी खबरें आ रही है, रेलवे से जुड़ी खबरें। साथ ही दोस्तों, अगर आपको भी 2000 रुपए अपने अकाउंट में चाहिए मोदी सरकार की तरफ से, तो किस तरह से पा सकते हैं आप उस 2000 रुपए को, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। तो चलते अब पहली बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां आपको बता दें कि दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री मोदी का नाम आ गया है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर, टाइम मैगजीन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल कर लिया है। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप उनको कांग्रेचुलेशन, मोदी जी बधाई हो जरूर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों, अगर आप भी मोदी जी का दिल से समर्थन करते हैं। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां आपको बता दें कि पेंगोंग में भारतीय जवानों की बढ़त से खौफ में है चाइना, बातचीत में छिपी है ड्रैगन की कुटिल चाल। जी हां दोस्तों, लद्दाख संकट को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच जारी वार्ता एक बार फिर से बेनतीजा रही। भारतीय वार्ताकार पूर्वी लद्दाख में सभी विवादित जगहों से सेना को और यथा स्थिति की बहाली की मांग कर रहे हैं। उधर चीन लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि भारत पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ऊंचाई वाली चोटियों से अपने जवानों को हटाए। हालांकि भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की छठे दौर की मीटिंग में महत्वपूर्ण सहमति भी बनी है। दोनों ही देशों के सैन्य अधिकारियों ने इस बात पर सहमति जताई है कि भारत और चीन अग्रिम चौकियों पर अब गौर ज्यादा सैनिक को नहीं भेजेंगे। इसके अलावा दोनों पक्ष आपसी समस्याओं को उचित ढंग से सुलझाने, सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त रूप से शांति सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बॉर्डर पर बढ़े तनाव में कमी आ जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही थी जहां पर भारतीय सैनिक की संख्या बढ़ाने पर चाइना डरता हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, और भारत से निवेदन करता हुआ दिख रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, जरूर बताइएगा। और जिस प्रकार से कल आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना के सैनिक रोते हुए दिखाई दे रहे थे दोस्तों लद्दाख सीमा पर जाने को लेकर, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा दोस्तों। आप लोगों ने कमेंट नहीं किया था तो करके जरूर बताइएगा। आज एक और खबर की अगर माने तो लद्दाख संकट के बीच बड़ी खबर, जहां पर चीनी टैंक पर सवार होकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने दी भारत को धमकी। जी हां दोस्तों, लद्दाख में भारत और चीन में तनाव के बीच पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने बुधवार को पंजाब प्रांत में स्थित फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चीन के तीसरे पीढ़ी के मेन बैटल टैंक VT4 के प्रदर्शन का जायजा लिया। जनरल बाजवा ने कहा कि पाकिस्तानी सेना प्रत्येक उभरती हुई चुनौती और क्षेत्रीय खतरे से निपटने के लिए तैयार है। भारत का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता पर अगर आंच आई तो हम इसका करारा जवाब देंगे। जनरल बाजवा ने दावा किया कि चीनी टैंक भविष्य में आक्रामक कार्रवाई में बेहद मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि चीनी टैंक दुनिया के सबसे आधुनिक टैंक में से एक है। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान में चीन की टैंक वाली साजिश ड्रैगन ने VT4 टैंक की तकनीक पाकिस्तान को दी है। जी हां दोस्तों, जिससे कि वो भारत पर वार कर सके,
ऐसे में दोस्तों उस टैंक पर चढ़कर जनरल बाजवा ने भारत को धमकी देने की कोशिश की। ऐसे में आपको नहीं लगता दोस्तों कि जिस एक टैंक मिल जाने से बाजवा को इतना गुरूर हो गया है और वो उसको लगता है कि वो पूरे भारत पूरे विश्व पर सिर्फ एक टैंक से ही जंग जीत जाएगा। ऐसे में दोस्तों इन छोटी छोटी चीजों पर खुश होने वाले सेना के अध्यक्ष को क्या कहना चाहेंगे आप दोस्तों, जरूर बताइएगा। क्या आपको नहीं लगता जिस प्रकार से एक छोटे से बच्चे को आइसक्रीम पकड़ा देते हैं और बच्चा खुश हो जाता है, क्या उसी प्रकार से जनरल बाजवा भी आइसक्रीम की तरह ही टैंक पाने को लेकर खुश होते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, और एक टैंक के पीछे उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है दोस्तों। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा, जवाब अच्छा खासा जवाब देते हुए। जी हां दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो इस्लामाबाद में मंदिर बनाने की आवाज हुई बुलंद, हिंदुओं ने दिया यूएई का हवाला। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर हिंदू मंदिर बनाने की आवाज बुलंद होने लगी है। इसके लिए लामबंदी की तैयारी हो रही है दोस्तों। पहले भी हिंदू मंदिर बनने की पहल हुई थी लेकिन इसे लेकर काफी विवाद हो गया था। बाद में सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था वहाँ की सरकार के जमीन देने के बाद वहाँ के इस्लामिक संगठनों ने फतवा जारी कर दिया था। लेकिन अब फिर से हिंदू मंदिर बनाने की मांग तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके लिए कई हिंदू संगठन लामबंदी की तैयारी में जुट गए हैं। साथ ही पाकिस्तान हिंदू परिषद के सदस्यों ने कहा है कि हिंदू समुदाय की जरूरी चीजें जैसे शमशान और मंदिर की स्थापना का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, वहाँ कई नामी मुस्लिम मौलवी हमेशा मंदिर निर्माण का विरोध करते रहते हैं। निर्माण को लेकर यहाँ खासा विवाद और हिंसा की वारदातें होती रहती हैं। यूएई मंदिर बन सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। ऐसे में दोस्तों क्या इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर बनना चाहिए दोस्तों, आप इसका कितना समर्थन करते हैं, पहले तो हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, साथ ही 0 से 100% में एक अंक जरूर दीजिएगा समर्थन के लिए, देखते हैं कितने लोग समर्थन करते हैं। एक और खबर की अगर माने दोस्तों तो चीन ने 40 बार भेजे हैं फाइटर जेट, ड्रैगन से जंग की तैयारी में जुटा है ताइवान। जी हां दोस्तों, ताइवान और चीन के बीच तनाव गहराता जा रहा है जिससे दोनों के बीच जंग के भड़कने की आशंका तेज हो गई है दोस्तों। चीन ने शुक्रवार और शनिवार को करीब 40 बार ताइवान की सीमा के पास अपने लड़ाकू विमान भेजे। इसके जवाब में ताइवान ने भी चीन के हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। ताइवान की राष्ट्रपति ने सेना की तैयारियों का जायजा लिया और ताइवानी एयरफोर्स ने ड्रैगन पर हमले का जोरदार अभ्यास भी किया है। ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने ट्वीट करके कहा है कि ताइवान की वायु सेना किसी को धमकी नहीं देती है और ना ही सैन्य उकसावे की कार्यवाही करती है। हमारे जवानों के अंदर यह इच्छा शक्ति और क्षमता है कि वे ताइवान की रक्षा कर सके और चीनी विमानों के हमारे हवाई क्षेत्र में घुसपैठ से भयभीत नहीं है। हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों आपका भी यही मानना है कि ताइवान और भारत जैसे अन्य देश एक तरह के सोच रखने वाले हैं दोस्तों, और वो बिल्कुल भी अपने देश के संप्रभुता और अखंडता का बिल्कुल भी अपमान नहीं चाहते हैं दोस्तों। तो आप भी कमेंट सेक्शन में भारतीय सेना की जय हो जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की अगर माने तो गिलगित बाल्टिस्तान पर जनरल बाजवा को मरियम नवाज की खरी खोटी, सेना मुख्यालय नहीं संसद में होगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत के सामने कड़ा रुख अपनाने की कोशिश में पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को अलग प्रांत बनाने का ऐलान तो कर डाला लेकिन उसके अपने ही घर में इस पर विरोध शुरू हो चुका है। आपको बता दें पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने कहा है कि ये एक सरकारी मुद्दा है और इस पर फैसला संसद में होगा न कि सेना मुख्यालय में। ऐसे में दोस्तों मरियम नवाज की बात का आप कितना समर्थन करते हैं जरूर बताइएगा, और आप किस प्रकार से जनरल बाजवा को घेरेंगे दोस्तों अपनी बयानबाजी से जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर माने तो नेपाल को दोस्त बनाकर घोंपा खंजर, चीन ने नेपाल की जमीन पर खड़ी कर दी 11 बड़ी इमारतें। जी हां दोस्तों, साथ ही नेपाली जमीन पर चीन के कब्जे का जोरदार विरोध, लगे गो बैक चाइना के नारे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें नेपाल के हुमला इलाके में चीन के 9 बिल्डिंग्स के निर्माण करने का नेपाल में जोरदार विरोध शुरू हो गया है। नेपाल में चीनी दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हो
गए हैं और गो बैक चाइना के नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर लिया हुआ है जिस पर लिखा हुआ है बैक ऑफ चाइना। उन्होंने चीन से मांग की है कि नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण बंद कर दे। आपको बता दे दोस्तों, विस्तारवादी नीति से पड़ोसी मुल्कों पर खंजर घोपने के लिए कुख्यात चीन ने हाल ही में बने अपने दोस्त नेपाल को भी नहीं छोड़ा। दोस्ती का नाटक करते हुए पहले तो चीन नेपाल के करीब आया और अब उसी की जमीन पर कब्जा करते हुए 11 इमारतें बना ली हैं। चीन के इस बड़े कदम के बाद नेपाल की सरकार भी हरकत में आ गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में लोग भी सड़क पर उतर गए और प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं, जहाँ पर गो बैक चाइना के नारे लग रहे। दोस्तों ऐसे में आप नेपाल सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों जहाँ पर पहले से भी भारत नेपाल को समझाता हुआ आ रहा है कि चाइना के साथ दोस्ती ना करें और चाइना एक तरह से चाल बना रहा है नेपाल के लिए, लेकिन नेपाल को उस समय चाइना ही प्यारा लगा दोस्तों और भारत की बात उसको समझ में नहीं आई। लेकिन अब फंसने के बाद वहां के नागरिकों को भी और सरकार को भी दोस्तों भारत अब ठीक लगने लगा। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। और ऐसे में क्या आप लोग नेपाल को माफ करेंगे दोस्तों, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए वाली बात यहां देखने को मिल रही है। आपका क्या मानना है, क्या भारत को माफ कर देना चाहिए नेपाल को, हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों एक और खबर की अगर माने, फ्रांस से बड़ी खबर, जहां आईफिल टावर को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कर चेकिंग, पुलिस खंगाल रही है उस इलाके को। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस की विश्व प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन आईफिल टावर को बुधवार को बम लगे होने की धमकी के बाद बंद कर दिया गया। पुलिस के पास अनजान शख्स ने फोन कर दावा किया था कि यहाँ बम लगाया गया है। इसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और फौरन इसे बंद कराया गया। इसके बाद मौके पर पहुंच पुलिस ने इलाका खाली कराया और तलाश शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर आ रही थी, आपको बता दें दोस्तों, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबरें भी हमारे न्यूज चैनल से बच नहीं सकती है। इसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन पाने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो जम्मू कश्मीर को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति के भड़काऊ बोल, भारत ने दिया उसको करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को उठाया। राष्ट्रपति के बयान पर भारत ने आपत्ति जताई है। भारत के प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने कहा है कि ये भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप है और ये भारत के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य है। तुर्की को दूसरे देश की संप्रभुता का सम्मान करना सीखना चाहिए। ऐसे में दोस्तों साफ लहजे में भारत ने तुर्की को जता दिया है, भले ही वो तुर्की के राष्ट्रपति है लेकिन तमीज नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं है और संस्कार तो जरा भी नहीं है। इस प्रकार से बड़ी शर्मिंदगी होती हुई दिखाई दी थी दोस्तों महासभा में। ऐसे में आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर माने दोस्तों, तो इंडिया चाइना क्लैश को लेकर खबर, जहां मोर्चे पर और सैनिक नहीं भेजेंगे भारत और चीन, दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने जताई है इस पर सहमति। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो छठी पीढ़ी के विमान बनाने की चाह में है चाइना, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका से पीछे है अभी भी ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, नई पीढ़ी के युद्धक विमान डिजाइन करने और उनका उत्पादन करने के मामले में अमेरिका की बराबरी करने की कोशिश कर रहा चाइना। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के मामले में अमेरिकी वायुसेना से कई वर्ष अभी भी पीछे है। ऐसे में दोस्तों, पीछे होने के बावजूद भी अमेरिका की गर्मी ठंडक में नहीं बदल रही है दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो ऑस्ट्रेलिया से एक दुखद भरी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर ऑस्ट्रेलिया में 380 व्हेल मछलियों की मौत, विशाल काय मछलियों का पूरा कुनबा ही खत्म हो गया। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर माने तो जो बाइडन अभियान ने हिंदू अमेरिकियों से मांगा समर्थन, मतदाताओं से किया ये वादा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे, डेमोक्रेटिक प्रत्याशी जो बाइडन के चुनाव अभियान समर्थक मानते हैं कि अमेरिका में हिंदू अमेरिकियों के वोट पार्टी की चुनावी सफलता का सबसे अहम होंगे। इसी आधार पर अभियान ने उनका समर्थन मांगते हुए कहा है कि जो बाइडन प्रशासन रचनात्मक और सकारात्मक काम करते हुए भारत के साथ विश्वास और बातचीत आधारित रिश्ते कायम करेगा। ऐसे में दोस्तों, आपको नहीं लगता कि जो बाइडन भी एक शी जिनपिंग की तरह काम कर रहे हैं दोस्तों, जो चुनाव से पहले लोगों को लुभा करके जीतने के बाद अपनी
अपनी असलियत सामने लाने वाले में से एक है। दोस्तों आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार फिर से बननी चाहिए दोस्तों, हाँ या ना जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो पाकिस्तान की खुली पोल, कश्मीर में मौजूदा स्थिति बदलने को लिया आतंकी सहारा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो दुश्मन की तोपों का काल, DRDO ने किया लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को एक बड़ी उपलब्धि हाथ लग गई है दोस्तों। संगठन ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। DRDO ने अहमदनगर में KK रेंज में MBT अर्जुन टैंक से लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही थी। आप इस सफल परीक्षण का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों अपनी भारतीय सेना का, तो कमेंट सेक्शन में कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर कर दीजिएगा इस सफल परीक्षण के लिए। दोस्तों एक और खबर की अगर माने तो सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी ने की बात और दिया उनको ये गुरु मंत्र। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना मरीजों की सेवा में लगे सभी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की प्रशंसा की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उन्होंने हर 7 राज्यों के मुख्यमंत्री को सुझाव देते हुए कहा है कि 1-7 दिन का कार्यक्रम बनाए और प्रतिदिन 1 घंटा दे वर्चुअल तरीके से, हर दिन 1 जिले के 1 से 2 ब्लॉक के लोगों से सीधे बात करे, इस प्रकार की राय दी गई है। दोस्तों एक और खबर की माने तो राज्यसभा का सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसद ने दी 3 श्रम सुधार विधेयकों को मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो रिपोर्ट में बड़ा खुलासा होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, जहां भारतीय सीमा के नजदीक चीन ने 3 सालों में एयरबेस, एयर डिफेंस और हेलीपोर्ट की संख्या को दुगनी की है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो मोदी सरकार किसानों को दे रही है 2,000 रुपए, ऐसे कर सकते हैं आप लोग भी अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मोदी सरकार किसानों को मौजूदा संकट से बचाने के लिए आर्थिक मदद दे रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के किसानों को 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए किसानों को पैसा मिलेगा। हम बता रहे हैं कि कैसे मिल सकता है आपको इसका फायदा। दरअसल प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। पिछले लगभग 1.5 महीने में ही 8,80,00,000 लोगों को 2,000 रुपए भेजे गए हैं। सारा पैसा DBT के जरिए भेजा जा रहा है दोस्तों। हमारी सहयोगी वेबसाइट के अनुसार पैसा देश के सभी 14,50,00,000 किसानों परिवार को दिया जाना है, लेकिन इस स्कीम के तहत सभी का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। ऐसे में अगर आप भी इस स्कीम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि यहां आपको नियमों को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर थी। अगर आप भी इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं तो www.pmkisan.government.in पर जाकर के कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, और दोस्तों ये थे अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। चैनल